जय हिंद दोस्तों, SSGD कांस्टेबल भर्ती 2021 को लेकर एक बड़ी अपडेट लेके आए, क्योंकि दोस्तों अब आपके पास में काफ़ी कम समय बचा और इससे कम समय में आपको कैसे तैयारी करनी है ताकि इस बार आपका SSGD कांस्टेबल भर्ती 2021 में आपका सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों अब आपके पास में मात्र 40 दिन बचे और इस 40 दिन में आपको 85+ स्कोर कैसे करना होगा, इस बार दोस्तों आपके नेगेटिव मार्किंग भी शामिल की गई है और सिलेबस में क्या क्या बड़े बदलाव किए गए, कैसे आपको तैयारी करनी होगी, कट ऑफ पर क्या असर आपका इस बार पढ़ने वाला नेगेटिव मार्किंग को लेकर, क्या आपकी रणनीति होगी इस बार की सिलेक्शन को लेकर, तो दोस्तों इसको लेकर पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। अगर आप SSGD कांस्टेबल भर्ती 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको SSGD कांस्टेबल भर्ती के रिगार्डिंग हर प्रकार की अपडेट आप सभी तक सबसे पहले पहुंचते रहे। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखाऊं, उससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं, क्योंकि दोस्तों उन्हीं कैंडिडेटों का सिलेक्शन होता है जो रणनीति के हिसाब से तैयारी करते हैं। क्योंकि दोस्तों अब आपके सामने बहुत ही गिने चुने दिन बचे हैं, मात्र 40 दिन बचे हैं और इन 40 दिनों में आप कितना स्कोर कर पाएंगे ये अब इन 40 दिनों पर आप कितनी मेहनत करते हैं उन पर निर्भर करता है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो इस बार का जो कट ऑफ है वो कितना रहेगा, क्या पिछली बार की कट ऑफ के बराबर रहेगा या इस बार कट ऑफ आपकी कम रहेगी, तो दोस्तों कट ऑफ पर किसी प्रकार का असर इस बार नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कट ऑफ बढ़ेगी भी नहीं, क्योंकि बढ़ने का कारण यह है कि दोस्तों इस बार आपके नेगेटिव मार्किंग शामिल कर ली गई है और कट ऑफ कम रहने का कारण मैं आपको बता देता हूं कि इस बार वैकेंसी नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो काफी कम है। अगर यहां पर बात करते हैं तो दोस्तों उन्हीं कैंडिडेटों का सिलेक्शन होता है जो सिलेबस के हिसाब से तैयारी करते हैं, जिनको पता होता है किस निश्चित समय में क्या चीजें हमें पढ़नी है और क्या चीजें हमें नहीं पढ़नी, क्योंकि दोस्तों आपके पास में बहुत ही सीमित समय बचा है और उन सीमित समय में आपको वही चीजें पढ़नी है जो कि आपके सिलेबस में। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं SSGD कांस्टेबल का, अलग अलग टॉपिक वाइज उन्हीं टॉपिकों को आप तैयार कर लीजिएगा, आपका स्कोर भी 80-85+ आराम से चला जाएगा। दोस्तों कट ऑफ है उसका आप बिल्कुल भी यहां पर भय ना करें, कट ऑफ का आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे आपकी कट ऑफ है उन्हीं के आसपास रहने वाली। अब कम समय आपके पास में बचा इसके लिए आप सिलेबस देख के ही आपको तैयारी करना होगा। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं, तो यहां पर आप देख लीजिएगा SSC की साइड है और यहां पर पूरी जानकारी आपको डिटेल से मिल जाएगी। सबसे पहले आपका होगा CBT और CBT में आपके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी उसके 12 गुना कैंडिडेटों को क्वालिफाई किया जाएगा, मतलब पास किया जाएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो काफी ज्यादा कैंडिडेटों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और ये कट ऑफ आपकी जो स्टेट की वैकेंसी उसके 12 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। टोटल आपको 90 मिनट का समय मिलेगा, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 रहने वाले हैं। इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेंगी, आपका जो पेपर की लैंग्वेज होगी वो दोनों होगी बिलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों में आप इसे कर सकते हैं। अब मैं आपको अलग अलग सिलेबस वाइज बता देता हूं, तो दोस्तों यहां पर टॉपिक वाइज हम बात कर लेते हैं, क्योंकि 25-25 के पार्टीशन में आपके क्वेश्चन आने वाले और 25-25 नंबर के ही आपके रहने वाले, हिंदी या इंग्लिश में से आपको एक लैंग्वेज चॉइस करनी होगी, 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 ही क्वेश्चंस आपके रहने वाले। अब यहां पर आप देख लीजिएगा सिलेबस में जी आपके जो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल दोस्तों SSC की तरफ से ये 13 टॉपिक है उनको शामिल किया गया SSD कांस्टेबल में और इन्हीं 13 टॉपिक को आप रीजनिंग में तैयार कर लीजिएगा अच्छी तरह से, आपका बहुत ही अच्छा स्कोर चला जाएगा, मतलब आप रीजनिंग में 25 में से 25 भी स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा SSC की जो रीजनिंग आती है वो ज्यादा टफ नहीं आती है, अगर आप इतने टॉपिक को अगर आराम से क्लियर कर लेते हैं, और दोस्तों ये 13 टॉपिक ज्यादा नहीं है, इन 13 टॉपिक की अगर आप ढंग से प्रैक्टिस कर लेते हैं इन 40 दिन में तो आपका सिलेक्शन काफी आसान हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहां पर आप देख लीजिएगा GK में कौन-कौन से टॉपिक्स को आपको तैयार करने हैं, आपको स्पोर्ट्स जो इवेंट है उनको आपको तैयार करना होगा, हिस्ट्री, उसके साथ ही कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, उसके साथ ही जनरल पॉलिसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, साइंटिफिक रिसर्च, इन्हीं टॉपिकों को आपको तैयार करना होगा, इन्हीं टॉपिकों में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैथ के टॉपिकों की बात करें तो मैथ में टोटल 13 टॉपिक है वो उनको शामिल किया गया SSGD में, जिनमें ज्यादातर आपके अर्थमेटिक के टॉपिक होंगे, एडवांस मैथ के आपको काफी कम 1 से 2 क्वेश्चन ही आपको मिलने वाले, बाकी सारे क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक के ही यहाँ पर मिलने वाले। उसके अलावा आप इंग्लिश के और हिंदी के टॉपिक भी यहाँ पर देख सकते हैं, इस साइड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा जहां जाके आप पूरा सिलेबस देख पाएंगे। तो बिल्कुल दोस्तों अगर आप इसी हिसाब से सिलेबस में अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन इस बार SSGD
कॉन्स्टेबल में 100% सुनिश्चित हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई भी एसएसजीडी कॉन्स्टेबल को लेकर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां जाके आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं। साथ ही मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी दोस्तों सिलेबस की पीडीएफ वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप जरूर ज्वाइन कर ले। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।